नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। फरुखाबाद, कंपिल थाना व मोहम्मदाबाद कोतवाली बाजपुर बंजारा क्षेत्र में तेज आंधी और बारिश से हुई मौत से कोहराम। मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे प्रभारी मंत्री चेतन सिंह चौहान। मृतक के परिवार को 4 लाख की आर्थिक सरकारी सहायता राशि दिलाने की बात कही। फरुखाबाद से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज। को भी मुआवजा दिया जाएगा और जो घोषित गुजरे हैं इसमें उनको 4-4 लाख रुपया दिया जाएगा। फरुखाबाद में क्या स्थिति आपके जिले में? आपके जिले में कई लोग हैं? दो, यहाँ पर दो लोग हैं, एक इस गांव में है और एक दूसरा गांव कायमगंज तहसील में। महेश्वरी। दोनों को 4-4 लाख रुपये दिया? दोनों को 4-4 लाख पहुँच गए इनके खाते में। ये पैसा जो है इन लोग के खाते में जो है जमा हो गया है। आंधी खत्म होते ही जैसे सूचना मिली, हमने तो सीधे तहसीलदार साहब से बात की। रात को ही इन्होंने और एटीएम ने मिलकर के इनके सारे पूरे कागजात सब कुछ पूरे करा लिए और सवेरे इनके सबके खाते को पैसा आरटीजीएस किया जा चुका है। मतलब अपने जिले में फरुखाबाद का प्रभारी मंत्री हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से मैं अपने अमरोहा में अपने विधानसभा में था। मेरे पास सूचना आई, मुझे यहाँ जाना है, ऐसे ऐसे हादसा हुआ है, दो लोगों की मृत्यु हुई है, उनके आदेश अनुसार मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। मंत्री, अपने जिले में 3 दिन से स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं, बिल्कुल मरीज लौट रहे हैं हजारों मरीज, कुछ इसका उपचार है? मैं पता करता हूँ क्या कारण है, पता करता हूँ। मैं अभी आया हूँ, अभी बात करता हूँ, मैं सीएमओ से बात करता हूँ, सीएमएस से बात करता हूँ, कैसे क्या कारण है, कोई वो चल रही है क्या, कोई वो एक टीचर से और डॉक्टर से कुछ हॉट टॉक हो गई। धरने पे बैठे हम, धरने पे टीचर 4 दिन से ओपीडी बंद है, 4 दिन से ओपीडी बंद है पूरे जिले। चलिए देखिए, मैं बात करता हूँ, बीसीएमएस से बात करता हूँ और सीएमओ से बात करता हूँ और इसमें जो है फैसला करा के समझौता करा के शुरुआत करा।